Assalamualaikum guys, this is Daniel Yasin with you with another lecture of Daniel's Education Portal. आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट. Assalamualaikum guys, this is Daniel Yasin with you with another lecture of Daniel's Education Portal. आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट. इसमें ये टॉपिक काफी बड़ा है तो हम क्या कर रहे होंगे, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है ना सेक्शंस तीन आ रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो हम देखते हैं, इसमें हम डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाएंगे वीडियो को, ये सब एक ही जो है ना पार्ट में नहीं हो सकता, तो हम जो है ना डिफरेंट पार्ट्स में वीडियो बना रहे होंगे. तो देखते हैं कि हमारे कितने कितने कहाँ कहाँ तक की बनती है. मेरी कोशिश ये होगी कि जो है ना मैक्सिमम जो है ना दो लेक्चर्स के अंदर ये हम टॉपिक कवर कर लें. तो मतलब वीडियोज अगर हम दो में करते हैं तो काफ़ी बड़ी हो जाएंगी, लेकिन देखते हैं कि कैसे होता है. लेकिन इसकी जो ये जो सीरीज है ये ऑलमोस्ट दो एटलीस्ट जो है वो दो वीडियोज की होने वाली है. ठीक है, ये थोड़ा सा जो है ना मैं ब्रीफ करना चाहता था. अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ. तो हम क्या पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और जो है ना जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं और किस 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 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. ठीक है जी, तो हम शुरू करते हैं. स्टार्ट कर रहे होंगे हम डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट से. द लॉ गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन पर्संस इज द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ठीक है जी, इन्होंने जो है ना हमें एक्ट बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत जो है ना ये जो हम पढ़ हैं ये सब वहां से लिया गया है. अच्छा जी, अब सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है. एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, अब यहां से कुछ चीजें हमने देखनी है. क्या चीजें देखनी है, वो हमें क्या कह रहा है. अगर हम इसको उर्दू में डिफाइन करना चाहें वो हमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ऐसा एग्रीमेंट. अच्छा, मेरे अल्फाजों पे गौर करिएगा, लॉ जो है पूरा वर्डिंग, पूरी वर्डिंग की कहानी है. एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. अब यहां पे क्या हो रहा है कि वो कह रहे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि इनफोर्सेबल बाय लॉ हो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे. अब यहां पे एक इंप्लाइड बात आ गई है. इंप्लाइड बात कौन सी आ गई है कि भाई ऐसा भी एग्रीमेंट होता है जो कि इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, तो क्या वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है. वो इस हद तक रिलेटेड है कि भाई हमें ये पता चलना चाहिए कि वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म कर सकता. हमारे लिए कौन सा काम का एग्रीमेंट है जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके हवाले से, सिर्फ ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे. ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ ना हो हम उसे क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे. हम आगे चल के देखेंगे कि एग्रीमेंट जो है कौन सा इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है और कौन सा इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है. अभी तक के लिए आप इस डेफिनेशन को समझें और यहाँ पे ये सिर्फ एक क्लासिफिकेशन याद कर लें कि भाई एग्रीमेंट एक ऐसा भी होता है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है और यहाँ पे जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा जो हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ी है उसके मुताबिक वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. और कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा वो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा. ठीक है जी, सिंपल सी बात होगी. अब हम आ जाते हैं अगली लाइन पे. अगली लाइन में क्या कह रही है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच लीगली बाइंड्स द पार्टीज. ठीक है जी, The analysis of the above definition reveals that a contract has the following two elements. अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है ना उन्होंने ऊपर डेफिनेशन ही बताई है ना उसी को बेसिकली जो है वो एक चार्ट चार्ट एक डायग्राम के हिसाब से जो है ना वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं. अभी जो मैंने बात की कि एक तो जो है ना एक तो आपका एग्रीमेंट है. ठीक है जी, लेकिन वो क्या है आपका एग्रीमेंट, क्या है एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है. एग्रीमेंट क्या है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है. तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहली दो चीजें मेन कौन सी आ गई, एक तो वो एग्रीमेंट होगा और दूसरा वो क्या होगा इन्फोर्सेबल बाय लॉ, मतलब इन्फोर्सेबिलिटी होगी उसके अंदर. अच्छा, अब ये जो नीचे लिखा हुआ है ना वो ये लिखा हुआ है कि भाई एग्रीमेंट बनता कैसे है.
एग्रीमेंट कैसे बनता है? एग्रीमेंट बनता है ऑफर और एक्सेप्टेंस से। अभी आगे पूरा जो है ना वो डिफाइन हो रहा होगा, अभी तक मतलब ये जो है ना सिर्फ आप इसके हेड्स देखते जाएं और जो मैं बता रहा हूँ वो सुनते जाएं, आपको चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आती जाएगी, जब आगे जाएंगे तो पूरी एक्सप्लेन हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, एक तो एग्रीमेंट है, दूसरा क्या है इन्फोर्सेबिलिटी, मतलब एग्रीमेंट वो जो हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा एंड एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल, तो एग्रीमेंट आ गया एक हमारे पास और उसके अंदर क्या आ गया इन्फोर्सेबिलिटी आ गई। अब एग्रीमेंट कैसे बनता है, एग्रीमेंट कैसे बनता है, एग्रीमेंट बनता है ऑफर और एक्सेप्टेंस से, एक बंदा ऑफर करता है एक बंदा एक्सेप्ट करता है, तो क्या बन जाता है वो एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है जी, ये एग्रीमेंट की जो है ना उन्होंने लिखी हुई है। अच्छा इन्फोर्सिबिलिटी से क्या मुराद है, उन्होंने नीचे उसका लिखा हुआ कि इन्फोर्सिबिलिटी से क्या मुराद है कि भाई वो जो है लीगल ऑब्लिगेशन जो है ना वो बना रहा हो। इन्फोर्सिबिलिटी से मुराद है कि वो जो एग्रीमेंट है उससे एक लीगल ऑब्लिगेशन बन रही हो। ठीक है जी, ये उसकी मुराद है। ये हमने डेफिनेट, ये जो हमारा एक चार्ट था इसको हमने जल्दी से एक जो है ना इसका ओवरव्यू ले लिया है, ये आगे पूरी की पूरी चीजें डिफाइन हो रही हैं, ये वर्ड बाय वर्ड जो है ना डिफाइन हो रही है। एग्रीमेंट अलग, ऑफर अलग, एक्सेप्टेंस अलग, इन्फोर्सिबिलिटी, लीगल ऑब्लिगेशन, सब जो है ना ये आ रहा है आगे, अभी सिर्फ आपने ओवरव्यू लेना था। ठीक है जी, अभी चलते हैं हम आगे। गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप न्यू वीडियो से बाखबर रहें, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो है आपको फौरन उसका नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया, आइए चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। ये हम आगे आ गए। अब आगे क्या है, जैसे मैंने कहा कि वो सेपरेटली जो है ना, मैं कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली थी कि भाई एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारी डेफिनेशन थी किसकी, कॉन्ट्रैक्ट की। अब वो कह रहा है भाई हमें ये तो पता चल गया कि एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, हमें ये भी तो पता चले कि एग्रीमेंट क्या होता है, हमें ये पता ही नहीं है एग्रीमेंट क्या होता है, और हमें ये फिर ये कैसे पता चलेगा कि एग्रीमेंट कौन सा इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है कौन सा इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, ये तो बात की कहानी है ना। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट क्या होता है कि नहीं। तो यहां पे वो क्या कर रहे हैं, अभी वो यहां पे डिफाइन कर रहे हैं एग्रीमेंट, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अच्छा यहां पे देखें, लीगल के हिसाब से कुछ नहीं लिखा हुआ यहां पे क्या है, लीगैलिटी के हिसाब से कुछ नहीं लिखा हुआ, जैसे वहां पे क्या लिखा हुआ था लीगली बाइंडिंग आपका, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ आ गया ना। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या है कि वो लीगली क्या है, वो लीगली बाइंडिंग है। लेकिन जब हम यहां पे नीचे आ रहे हैं, जब हम एग्रीमेंट की बात करें, यहां पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अब जैसे अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, भाई फॉर एग्जाम्पल जो है ना आप है और आपका एक दोस्त है, ठीक है जी, आपके दरमियान में क्या, आपने उसे कहा कि भाई इस तरह है कि तुमने कल मेरे घर आना है, ठीक है जी, आपने उसे कहा कि तुमने कल मेरे घर आना है, और उसने कहा ठीक है मैं आऊंगा, उसने आपसे जो है ना प्रॉमिस कर लिया, लेकिन उसने आपने कहा कि यार लेकिन हो सकता है मुझे कहीं जाना पड़े, तो उसने आगे से क्या कह दिया, उसने कह दिया कि भाई अगर अगर मैं आया और तुम ना हुए तो परसों तुम्हें आना पड़ेगा, परसों क्या क्या होगा, कल मैं आ रहा हूं, अगर तुम फॉर एग्जांपल मुझे घर पे ना मिले, तुम कहीं गए हुए, तो क्या होगा, परसों तुम्हें आना पड़ेगा, और आपने हाँ कर दी और आपने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने उससे क्या कर लिया, आपने उससे एक एग्रीमेंट कर लिया ना कि भाई कल तुम आओगे, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें घर पे नहीं मिलता, मैं कहीं से काम से गया हूं, तो क्या करूंगा फिर, मैं फिर परसों को मैं आ जाऊंगा, आपने उसे एक प्रॉमिस कर लिया ना। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अब यहां पे कंसिडरेशन क्या हो रही है आपकी, क्या कंसिडरेशन हो रही है कि भाई आपको जाना पड़ रहा है, आपको जाना पड़ रहा है ना, अगर अगर वो बंदा जब अपना पार्ट पूरा कर रहा है, अब अगर हम बात करें कि भाई इस एग्रीमेंट में कौन कौन से पार्ट है, एक पार्ट उसका है कि भाई उसने कल को आना है, उसने अगर अपना पार्ट पूरा कर लिया है और आप उसको नहीं मिले, तो अब किसने पार्ट पूरा करना है, अब आपने पार्ट पूरा करना है, तो कंसिडरेशन कैसे पूरी हो रही है आपके आने और जाने से। ठीक है जी, अच्छा अब थोड़ी जो है ना इंपॉर्टेंट बात आ रही है, अब मैं वो एग्जाम्पल में थोड़ी सी चेंज भी करूंगा।
The analysis of the above definition reveals that an agreement comes into existence only when one party makes a proposal or offer to the other party and the other party signifies his acceptance thereto. Thus, an agreement can be an accepted proposal. ये बड़ी जो है ना अब भाई बात बताऊं क्या है वो कह रहे हैं अब मैं जो है ना एक बात आपको वही एग्जांपल जो भी हम देख रहे थे ना मैं उसी को आपको जो है ना एक्सप्लेन करता हूँ उसकी थोड़ी सी कहानी में हम ट्विस्ट लाते हैं। फॉर एग्जांपल अब वो जो आपका दोस्त था उसने कहा कल को मैं आऊंगा लेकिन अगर तुम ना मिले तो परसों तुमने आना है। पहले जो मैंने एग्जांपल दी थी आपने क्या कहा था, आपने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा, ठीक है अगर कल को तुम्हें मैं घर पे नहीं मिलता हूँ, तो मेरे घर आए और मैं तुम्हें नहीं मिलता हूँ तो क्या होगा, तो मैं आ जाऊंगा। लेकिन अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल रहा हूँ। वो क्या ट्विस्ट है कि उसने आपको कहा कि आप आना लेकिन आपने उसी वक्त उसे कह दिया कि नहीं भाई मैं ये नहीं करूंगा, अगर कल को मैं नहीं मिला तो परसों भी तुम्हें ही आना पड़ेगा। उसने जो आपको एक ऑफर की आपने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। जब आपने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा एग्रीमेंट बनेगा नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, यही चीज वो नीचे बता रहे हैं। द एनालिसिस ऑफ द अबव डेफिनेशन रिवील्स दैट एन एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन वन पार्टी मेक्स अ प्रपोजल। प्रपोजल किसने दिया था और ऑफर टू द अदर पार्टी किसने कहा था, आपके दोस्त ने कहा था ना कि कल को मैं आ जाऊंगा लेकिन अगर तुम नहीं मिले तो परसों तुम्हें आना पड़ेगा। एंड द अदर पार्टी सिग्निफाइज हिज एक्सेप्टेंस। सामने वाला बंदा उस ऑफर उस प्रपोजल पर एग्री भी करना चाहिए। अगर आपका सामने वाला बंदा उसके ऊपर राजी ही नहीं है, जैसे इस केस में आप हैं, आपका दोस्त आपको एक प्रपोजल दे रहा है, एक ऑफर दे रहा है कि भाई ठीक है कल को मैं आ जाऊंगा लेकिन जो है ना परसों जो है ना फिर तुम्हें आना पड़ेगा अगर कल तुम घर पे मुझे नहीं मिले, लेकिन अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, अगर आपकी उसकी इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा एग्रीमेंट। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप इस बात को नहीं मानते, आप कहते हैं भाई मेरे लिए काबिले कबूल नहीं है, मैं परसों नहीं आऊंगा, वो जो है परसों भी तुम्हें आना पड़ेगा, अगर कल भी ना मिला तो परसों भी तुम्हें आना पड़ेगा, तो क्या होगा आपने उसकी ऑफर ठुकरा दी ना। जो उसने आपको ऑफर की थी, जो उसने एक प्रपोजल रखा था आपके सामने, क्या हुआ ठुकरा दिया, आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वो एग्रीमेंट बनेगा नहीं बनेगा ना, क्यों, क्योंकि आपने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। अच्छा अब यहां पे उन्होंने एक और चीज एक्सप्लेनेशन फर्दर लिखी हुई है कि भाई एन एग्रीमेंट कैन बी एन एक्सेप्टेड प्रपोजल। भाई आपको कोई बात तजवीज करे है, कोई भी एक बंदा तजवीज रखता है, आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल चार दोस्त बैठे हुए थे, सही है, अब चार दोस्त बैठे हुए थे, वहां पर बात हो रही थी कि भाई जो है ये भाई हमें फार्म हाउस चलना है ना, चार दोस्त बैठे थे वहां पे जो एक बातचीत हो रही है कि हमें फार्म हाउस चलना है। अब वहां पे दरमियान में एक दोस्त जो है ना, दोस्त कहता है कि हम जो है ना नहीं फार्म हाउस नहीं चलते, हम परसों चलते हैं ग्वादर, हम ग्वादर घूम के आते हैं, और सब लोग वहां पे एग्री कर जाते हैं। उसने क्या किया, उसने एक प्रपोजल रख दिया। आपके बाकी दोस्तों ने क्या किया, आपने और आपके बाकी दोस्तों ने कहा ठीक है चलते हैं, तो आपने क्या कर लिया, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया ना। तो भाई उसने एक प्रपोजल रखा, उसने एक बात कही और आप लोग उसके ऊपर मान गए, और एग्रीमेंट का नाम क्या है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, क्या हो जाएगा। और आगे जो है ना आपने कह दिया कि भाई अगर तुम ना चले, अगर वो लोग ना चले, मतलब तुम अगर नहीं चलते हो, और मतलब वो जो दोस्त है जिसने कहा ग्वादर कि भाई कल को जो है ना मैं गाड़ी लेके आ जाऊंगा, अगर तुम लोग ना चले तो तुम लोग जो है फिर मुझे एक अच्छी सी होटल में पार्टी दोगे, तो अब क्या हो गया,
अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दोनों पार्टीज के लिए क्या हो गया, फॉर ईच अदर एक बन गई ना कंसिडरेशन है भाई। अब वो अगर आप गवादर जाते हैं ठीक है, अगर नहीं जाते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपको पार्टी देनी पड़ेगी। मतलब आपने एक्सेप्ट कर ली ना उसकी ऑफर कि भाई ठीक है हम गवादर चलेंगे, अगर नहीं चले तो क्या होगा, हम तुम्हें पार्टी देंगे। तो दोनों के लिए क्या बन गई, एक कंसिडरेशन फॉर्म हो गई। ठीक है जी, अब डेफिनेशन आ गई प्रॉमिस की। प्रॉमिस, व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट टू इट, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। अब भाई यहां पे जो ऊपर प्रॉमिस लिखा हुआ है, ये जो प्रॉमिस लिखा हुआ है, इस प्रॉमिस को एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। वो प्रॉमिस क्या होता है, है भाई एग्रीमेंट के अंदर प्रॉमिस तो आ रहा है, लेकिन प्रॉमिस है क्या, प्रॉमिस एक्सप्लेन कर रहे हैं वो। व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट टू इट, मतलब जिस बंदे को प्रपोजल दिया जाता है, जिस बंदे को प्रपोजल दिया जाता है वो क्या कर देता है, वो हाँ कर देता है। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, वो भी हमने बात कही, वो दोस्तों वाली एग्जाम्पल क्या हो गया, वो एक्सेप्ट हो गया। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, और जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो अब वो क्या बन गया, क्या बन गया, वो प्रॉमिस बन गया, वो लीगली क्या बन गया, मतलब इन लीगल वर्ड्स वो क्या बन गया, वो लीगल वर्ड्स आपका जो है ना एक बन गया आपका प्रॉमिस। ठीक है जी, अभी तक आपने जो एग्रीमेंट सुना होगा वो सुना होगा पेपर्स के ऊपर, कि भाई ये इस चीज का एग्रीमेंट है, ये मतलब जो है ना टेनेंसी का एग्रीमेंट है, इस चीज का एग्रीमेंट है, इस चीज का एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट्स जो है वो सिर्फ पेपर्स पर नहीं होते, ये चीज यहाँ पे जो है ना आप एक जो है ना विंडो ओपन कर लें अपने माइंड में, कि जो एग्रीमेंट्स हैं वो सिर्फ जो है पेपर्स पर नहीं होते। एग्रीमेंट्स जैसे अभी हमने कहा कि एक लीगली बाइंडिंग होते हैं और एक लीगली बाइंडिंग नहीं होते, हमने अभी तक नहीं देखा कि लीगली बाइंडिंग और जो है ना लीगली बाइंडिंग कौन से होते हैं और लीगली बाइंडिंग कौन से नहीं होते, अभी हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन आप इस माइंड में यहाँ पे जो है ना दो रोड बना लें कि भाई दो टाइप के एग्रीमेंट है, वो जो आपने अभी तक देखे हैं ना, वो जो स्टाम्प पेपर वगैरह बन रहा होता है उसके ऊपर एक एग्रीमेंट लिखा जा रहा होता है, वो सब जो होता है वो सब लीगली बाइंडिंग होते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो सब लीगली बाइंडिंग होते हैं। ठीक है जी, अच्छा, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसी। ये आपके जो है ना उसमें एमसीक्यूज में वो पूछ सकता है। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसी। मतलब जो बंदा ऑफर दे रहा है वो कौन है, वो कौन है, वो प्रोमिसर है, और जो बंदा उसको एक्सेप्ट कर रहा है वो कौन है, वो है प्रोमिसी। ठीक है जी, अच्छा जी, प्रपोजल की डेफिनेशन आ गई अब। ठीक है जी, अब देखें यहां से प्रॉमिस आया, यहां से आपका प्रॉमिस निकला, ये वाला प्रॉमिस उन्होंने यहां पे डाला। अब इस प्रॉमिस में क्या आया, एक प्रपोजल आया, अब उन्होंने क्या किया, अब प्रपोजल को डिफाइन करने लगे। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस to do or to abstain from doing anything with the view to obtaining the assent of that other such act or abstinence he is said to make a proposal। अच्छा, अब वो कह रहा है कि कोई भी एक ऑफर दी जा रही है, कोई भी एक ऑफर दी जा रही है, प्रपोजल का मतलब क्या है कि एक बंदा अपनी willingness शो कर रहा है कि भाई वो बता रहा है कि भाई मैं ये काम करूंगा या मैं ये काम नहीं करूंगा। क्या क्या बता रहा है वो अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है कि भाई मैं ये काम करूंगा या मैं ये काम नहीं करूंगा, इस व्यू के साथ, मतलब इस पर्पस के साथ, इस नीयत के साथ कि भाई जो है वो सामने वाले का क्या कर ले, सामने वाले से जो है वो उसे क्या कहते हैं, इसके ऊपर जो है ना उसकी हाँ करवा ले। मतलब नियत तो यही होती है ना,
कि भाई वो सामने वाला जो है ना इस बात पे मान जाए। जब आप किसी को कोई ऑफर करते हो तो आपका पर्पज यही होता है ना कि भाई आप वो चीज वो बंदा मान जाए। यहाँ पर वही बात की जा रही है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस ही सेड टू मेक अ प्रपोजल। जब भी आपकी ये नियत हो कि आपने सामने वाले से हाँ करवानी है, आप किसके ऊपर हाँ करवानी है, किसी काम करने के ऊपर हाँ करवानी है ना का कोई किसी काम ना करने के ऊपर हाँ करवानी है, ठीक है जी, वो दोनों चीजें आ जाएंगी। भाई कोई काम करना है या कोई काम ना नहीं करना है उसके ऊपर किसी से हाँ करवानी है तो उस चीज को क्या कही जाएगी, उसको क्या आ जाएगा, प्रपोजल। अच्छा जी, अब हमने वहां पे कौन कौन सी चीजें देखी थी, एक था एग्रीमेंट, दूसरा था इनफोर्सेबिलिटी, ये हमारी मेन चीजें थी, ठीक है जी। अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने एग्रीमेंट को देख लिया, ठीक है जी। एक बंदा ऑफर करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है, तो क्या हो जाता है, वो बन जाता है एग्रीमेंट। फिर हमने उसकी डिटेल्स, कुछ टर्म्स डिटेल्स में पढ़ी, ठीक है जी। अब यहां पर क्या आ गया, अब आ गया इनफोर्सेबिलिटी, कि भाई वो बाइंडिंग कैसे होता है। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये बात मैंने बिल्कुल पहले आपको बताई, बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको ये बात बता दी। क्या बताई थी मैंने आपको कि एग्रीमेंट जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक लीगली बाइंडिंग होता है और एक लीगली बाइंडिंग नहीं होता है। तो वो एग्रीमेंट जो लीगली बाइंडिंग हो, सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो भी एग्रीमेंट जो लीगली बाइंडिंग नहीं होगा वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो यहां पे वही बात कर रहे हैं कि भाई जब लीगली बाइंडिंग बन गया एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग है तो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली एक चीज क्या इंप्लाइड हो गई यहां पे, कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट तो होगा ना। जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट तो होगा ना, लेकिन सब एग्रीमेंट्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट में वो एग्रीमेंट आता है जो लीगली बाइंडिंग होता है, और एग्रीमेंट में दो टाइप्स हैं, एक लीगली बाइंडिंग है और एक लीगली बाइंडिंग नहीं है। इसी वजह से हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है जी। एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन इज सेड टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। वही बात जो मैं ऊपर बार बार जो है ना एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भाई कोई भी एग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देगा क्या होगा, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा। द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी बाउंड टू परफॉर्म देयर प्रोमिसेस एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट by either of them must intend to sue. अब for example हम दोस्तों वाली example ले रहे थे ना, वो दोस्तों वाली हमने दो different examples ली थी ना, हम second वाली की बात कर लेते हैं कि भाई वो कल कह रहा था कि वो आपको जो है ना गवादर लेके जाएगा ना, सही है। अब क्या हो गया, अब गवादर आप नहीं गए और आपने उसे पार्टी नहीं दी, तो वो क्या करेगा, वो कोर्ट जाएगा, वो कोर्ट चला जाएगा। सोचिए जरा, जब कोर्ट जाके कहेगा मुझे इन लोगों ने पार्टी नहीं दी, मैंने इन्हें कहा था अगर ये मेरे साथ गवादर नहीं चले, इन लोगों ने हाँ की थी, मैंने कहा था ठीक है तो मैं गाड़ी लेके आ जाऊंगा, लेकिन अगर तुम लोग नहीं चले गवादर तो फिर जो है ना अगले दिन तुम लोग मुझे जो है ना पार्टी दोगे, लेकिन जो है ना इन्होंने मुझे पार्टी नहीं दी तो इस वजह से मैंने सू कर रहा हूं। ऐसा होगा, इंटेंशन होगी ऐसी, उसकी इंटेंशन नहीं होगी ना, ये बात वो यहां पर कह रहे हैं। कह रहे द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट, द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी बाउंड टू परफॉर्म देयर प्रोमिसेस एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय इधर ऑफ देम मस्ट इंटेंड टू सू। अब भाई फॉर एग्जाम्पल वो गाड़ी लेके नहीं आता है, उसको कोई काम हो गया वो नहीं आया, या वो वैसे ही नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, आप कोर्ट चले जाएंगे, इसने हमें कहा था गवादर लेके जाएगा हमें गाड़ी पे,
हम सब आ गए टाइम पे, ये आए ही नहीं, इसने मैं कहा कि नहीं जा सकता मैं, हम सब तैयार होके खड़े थे, तो क्या करोगे आप, कोर्ट चले जाओगे? नहीं जाओगे ना, आपकी ऐसी तो कोई इंटेंशन नहीं होगी कि भाई अगर इसने ऐसा नहीं किया तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा, ऐसा तो नहीं सोच रहे होगे ना आप। तो यहां पे वो यही बात कर रहे हैं कि इनफोर्सिबिलिटी में ये चीज आती है कि कोई भी वो जो एग्रीमेंट है सबसे पहले तो इनफोर्सिबल बाय लॉ हो, और दूसरी चीज क्या हो कि भाई वो जो पार्टीज हो, वो जो आपकी पार्टीज हो, कौन कौन सी पार्टीज है याद करें, एक आपका प्रोमिसर है और एक आपका प्रोमिसी है, ठीक है जी। प्रोमिसर वो जो ऑफर कर रहा है, और आपका प्रोमिसी कौन है जो एक्सेप्ट कर रहा है। ये दोनों पार्टीज क्या कह रही हो कि भाई तुमने जो ऑफर की है, मतलब यहां पे मैं बात कर रहा हूं प्रोमिसी के हवाले से, प्रोमिसी को सामने रख के एक मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं कि प्रोमिसी ये कहे कि तुमने मुझे ऑफर दी है, मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन अगर तुमने ये काम नहीं किया, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो फॉर, अब जैसे हम बात ही कर लेते हैं वहां पर जब वो दोस्त थे, दोस्तों ने क्या कहा, उसने कहा कल को जो है ना मैं लेके आ जाऊंगा, उसे क्या कहते हैं, गाड़ी लेके आ जाऊंगा, ग्वादर जाना है। अब वो दोस्त कहते हैं कि अगर तुम गाड़ी ना लेके आए तो फिर जो है ना तुम हमें पार्टी दोगे, ठीक है जी, और अगर तुम गाड़ी लेके आ गए हम नहीं आए तो उसे क्या कहते हैं, हम तुम्हें पार्टी देंगे, सही है। अब वहां पर यह बात हो गई, अब जो आपके आपका जो प्रोमिस ही है, मतलब जिन्होंने ये बात एक्सेप्ट की है कि भाई ठीक है ग्वादर वाली, जिन्होंने बात एक्सेप्ट कर ली है, अब उनके माइंड में भी ये हो और दूसरे के जो है ना माइंड में भी हो कि भाई अगर ये काम नहीं होता तो हम क्या करेंगे, हम जो है ना सू कर देंगे, हम कोर्ट चले जाएंगे। फॉर एन एग्रीमेंट टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ देयर शुड बी लीगल ऑब्लिगेशन इंस्टेड ऑफ सोशल मॉरल और रिलीजियस ऑब्लिगेशन। अब आ गई काम की बात, अभी तक हम सिर्फ ये सुनते हुए आ रहे थे कि एग्रीमेंट में दो तरह के एग्रीमेंट होते हैं, एक होता है लीगली बाइंडिंग और एक जो है लीगली बाइंडिंग नहीं होता है। अब वो आपको बता रहे हैं कि भाई कौन सा लीगली बाइंडिंग नहीं होता है। फॉर एन एग्रीमेंट टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ देयर शुड बी लीगल ऑब्लिगेशन इंस्टेड ऑफ सोशल मॉरल और रिलीजियस ऑब्लिगेशन। भाई आपको जो है दोस्तों के लिए आना है कल को जो है ना, तो वो उसका कोई कानून तो नहीं है ना, वो जो है आप उसे क्या कहते हैं, आपने जब एक बात कह दी है तो वो एक मॉरली आपके लिए बाइंडिंग चीज हो गई है ना, एक आप उसे कह सकते हैं मॉरल एग्रीमेंट हो गया आपका, है जी, वो लीगल तो नहीं हुआ ना, ठीक है जी। अब दूसरा जो है ना, अब भाई रिलीजियस ऑब्लिगेशन की जब हम बात कर रहे हैं, हैं? अब वहां पे अब फॉर एग्जांपल आपको जो है ना नमाज तो पढ़नी चाहिए ना, तो आपकी क्या है रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है आपको जो है ना पुलिस उठा के ले जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। अब सोशल ऑब्लिगेशन की जब हम बात कर रहे हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल जो है ना आपको अपनी किसी कजन की जो है ना शादी में जाना था, है आप नहीं गए, वो आपकी सोशल जो है सोशल ऑब्लिगेशन तो बनती है ना या नहीं बनती, बनती है ना, लेकिन आप नहीं गए तो ऐसा थोड़ी आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, ऐसा ही है ना। और जो है मॉरल ऑब्लिगेशन की अगर हम बात करें, मॉरल ऑब्लिगेशन फॉर एग्जांपल के भाई आपको पता है कि यहां पर जो है ना आपको किसी एक बंदे का साथ देना है, यहाँ पे आपको किसी एक बंदे का साथ देना है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी दोस्तों में लड़ाई हो रही है, अब आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन बनती है कि आप उन्हें छुड़ाएं, यूं कह सकते हैं कि एक लड़ाई हो रही है दोस्तों की, मतलब आपके ही दोस्त हैं और आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन बनती है कि आप उन्हें क्या है उन्हें छुड़वाएं, लेकिन आप नहीं छुड़वा रहे तो ऐसा थोड़ी है पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो जो है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे जो इस तरह की ऑब्लिगेशन होती है आपकी सोशल मॉरल या रिलीजियस ऑब्लिगेशन, तो वो क्या होता है, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होती। तो अगर उनके हवाले से कोई भी एग्रीमेंट हो रहा हो तो क्या हो जाएगा, वो जो है उसे क्या कहते हैं, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। तो लाजमी बात है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा वो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि एग्रीमेंट में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आता है, कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा एग्रीमेंट आता है,
वो वाला एग्रीमेंट आता है जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो। अच्छा यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, हम उन्हें भी पढ़ लेते हैं साथ साथ, इन्फोर्सिबिलिटी के इन्होंने एग्जांपल्स दी हैं। अदील ऑफर्स टू सेल हिज फर्नीचर टू बाबर फॉर 50,000 रुपीज। बाबर एक्सेप्ट दिस ऑफर। इन दिस एग्रीमेंट इफ देयर इज डिफॉल्ट बाय ईदर पार्टी एन ऑक्शन एन एक्शन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स थ्रू अ कोर्ट ऑफ लॉ provided all the essential elements of a valid contract are present in this agreement। अब भाई कह रहे हैं कि अगर अदील ऑफर करता है बेचने के लिए बाबर को फर्नीचर 50,000 रुपए का, अब बाद में वो मुकर जाता है कि भाई मैं नहीं बेच रहा है, या मैं इसको तो 60,000 का दूंगा, या इस तरह, मतलब वो अपनी बात से मुकर जाता है ना। या फिर जो है ना वो बाबर कहता है, पहले कहता है हाँ ठीक है मैं खरीदूंगा, जब उसके घर पर फर्नीचर पहुंचा वो कहता है मैंने तो मंगवा ही नहीं है भाई, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, मैं तो इस बंदे को ही नहीं, अदील को ही नहीं जानता। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि इधर पार्टी जो है ना, अगर मतलब प्रॉपर एक्सेप्टेंस है, प्रॉपर ऑफर है, प्रॉपर एक्सेप्टेंस है, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को कोर्ट में जाके सू कर सकते हैं। अदील इनवाइट्स बाबर टू डिनर। बाबर एक्सेप्ट द इन्विटेशन बट फेल्स टू टर्न अप। हियर अदील कैन नॉट सू बाबर फॉर डैमेजेस बिकॉज द पार्टीज टू दिस एग्रीमेंट डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। यहाँ पे क्या हो गया, मैंने वही एग्जाम्पल वो दोस्तों वाली जो एग्जाम्पल थी, वहां पे ऐसा थोड़ी होगा कि भाई आप जो है ना ये सोच के बैठे होंगे कि भाई मैंने केस कर देना है। Does the law of contract cover such agreements where the parties intend to create legal obligations? In social, domestic, moral and religious obligation, the usual presumption is that the parties do not intend to create legal obligations। अब ये तो लाजमी सी बात है कि भाई जो हमारी ऐसी जो नॉर्मल हमारी गुफ्तगू होती है, जो नॉर्मल हमारे आपस में एग्रीमेंट होते हैं, मतलब जैसे जो एग्रीमेंट्स के भी हम एग्जांपल दे रहे थे कुछ टाइम पहले, तो ऐसा तो नहीं है ना कि भाई जो है ना हमारी नीयत होती है कि भाई हमने करना ही करना है। हम तो कभी सोचते भी नहीं है, हैं, हम तो कभी सोचते भी नहीं है कि अगर ये काम ना हुआ, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई थी, आपने किसी दोस्त को बुलाया जो है ना दावत पे और वो नहीं आया, तो ऐसा तो नहीं है कि आप पहले ही सोच के बैठे होते हैं कि नहीं भाई अगर ये नहीं आया तो मैं जो है इसके ऊपर केस कर दूंगा, पहले ही क्या बाद में भी नहीं सोच रहे होते ऐसा है कि नहीं। मतलब वो कह रहे हैं कि जो इस तरह की होती है ना आपके सोशल मॉरल और रिलीजियस ऑब्लिगेशन होती है, वहां पे प्रिजम्पशन यही होती है कि भी कोई लीगल ऑब्लिगेशन कोई नहीं क्रिएट करना चाह रहा, ठीक है जी। और हमने ऊपर क्या पढ़ा इन्फोर्सिबिलिटी में कि जो पार्टी टू द एग्रीमेंट है उनका क्या होता है कि वो जो है ना मस्ट बी बाउंड हो, सही है, इनफॉर्म प्रोमिसेस परफॉर्म करने के लिए, और जो अगर इन केस को डिफॉल्ट करता है तो उनका क्या हो, उनकी जो इंटेंशन हो वो कौन सी हो, वो सू की इंटेंशन हो, अभी केस करेंगे। अच्छा जी अब हम आगे चलते हैं। अच्छा एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अब ये क्या है, मतलब के हमें ये सब चाहिए, हमें अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है ना, अगर हमें एक क्या बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ये सब चीजें चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज मिसिंग है तो क्या होगा, क्या होगा, सोचें क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो ये सब एसेंशियल्स हैं, ये सब एसेंशियल्स हैं किसको बनाने के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। अब पहले हम सिर्फ रीड कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं। एक आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, एक आपका लीगल रिलेशनशिप है, एक आपका कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज है, फिर आपका कंसिडरेशन है, फिर आपका फ्री कंसेंट है, फिर आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट है, फिर आपका नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड है, फिर आपका सर्टेनिटी है, फिर आपका पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, फिर आपका क्या लीगल फॉर्मेलिटीज है। तो ये अगर आप इनको काउंट करें तो आपके जो टोटल बनता है ये टोटल 10 पार्ट्स हैं जो एसेंशियल्स है किसके, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, जो हम अब जो है ना एक एक करके पढ़ेंगे। हम देखते हैं इस वीडियो में हम कहां तक इनमें पहुंचते हैं, लेकिन अभी हम ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहली चीज को कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज टू क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
एन एग्रीमेंट इन्वॉल्व्स अ वैलिड ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस. अभी हमने ऊपर बात की कि भाई जो है, अच्छा वैलिड ऑफर, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये. ये छोटे छोटे पॉइंट बड़े मैटर करते हैं, सिनेरियोज में बड़ा घुमा सकते हैं आपको एग्जामिनर. वैलिड ऑफर, अब भाई कोई आपको कहे कि भाई मैं जो है ना चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, मैं चांद को खींच के ले आऊंगा, तो वो वैलिड ऑफर है? नहीं है ना, वैलिड ऑफर वो नहीं है. तो सबसे पहली कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वैलिड तो हो ना, ठीक है. देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज टू क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एन एग्रीमेंट इन्वॉल्व्स अ वैलिड ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस. अब वो कह रहे हैं कि वो जो मतलब आपकी जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, वो क्या करना चाह रही हूँ, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रही हूँ, उनकी नीयत ये हो, ठीक है जी. और दूसरा क्या हो कि उनका जो जो एग्रीमेंट है, उनका जो एग्रीमेंट है वो वैलिड ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस पे बेस करता हो, जिसकी उन्होंने नीचे एग्जाम्पल भी दी है. अदील ऑफर्स टू बाय बाइक फ्रॉम बाबर फॉर ₹50,000 टू विच बाबर रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली. हियर अदील हैज मेड एन ऑफर एंड बाबर हैज एक्सेप्टेड इट. ठीक है जी, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा हो गया. अब हम आ गए दूसरी बात पे. दूसरी बात हमारी कौन सी है, लीगल रिलेशनशिप. अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिकम वैलिड मस्ट हैव अ लीगल रिलेशनशिप. इन केस ऑफ सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स द यूजुअल प्रिजम्पशन इज दैट द पार्टीज डू नॉट इंटेंड to create legal relationship, but in commercial or business agreements, the usual presumption is that the parties intend to create legal relationship unless otherwise agreed upon. अच्छा, पूरे पैराग्राफ हम समराइज करते हैं. समराइज कैसे करते हैं कि भाई वो कह रहा है कि सबसे पहले जो है ना लीगल रिलेशनशिप चाहिए. अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए, लीगल रिलेशनशिप चाहिए. इसका मतलब है कि आपका जो सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, मतलब दोस्तों यारों के साथ जो है ना आप सब जो एग्रीमेंट कर रहे होते हैं बैठ के, उसके अंदर जो लॉ प्रिज्यूम करेगा, जो लॉ प्रिज्यूम करेगा वो क्या प्रिज्यूम करेगा कि भाई आप जो है ना लीगल ऑब्लिगेशन ही बनाना चाह रहे, अनलेस आपने ये डिसाइड किया हो. अनलेस क्या किया हो, अनलेस आपने ये डिसाइड किया हो कि हाँ भाई हम इस पॉइंट पे क्या करना चाह रहे हैं कि भाई अगर ये इस तरह ना हुआ तो हम जो है ये मतलब मसला खराब होगा, हम क्या करेंगे, कोर्ट छोड़ने जाएंगे, ठीक है जी. और दूसरा क्या कह रहा है, इसके अंदर सोशल और डोमेस्टिक में क्या करना पड़ेगा, अगर आपने लीगल ऑब्लिगेशन बनानी है तो आपको एक्सक्लूसिवली बताना पड़ेगा. आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सक्लूसिवली बताना पड़ेगा कि भाई मैं इस चीज को क्या, इस एग्रीमेंट को क्या बनाना चाह रहा हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रहा हूं, मैं इसको लीगली बाइंडिंग करना चाह रहा हूं, ठीक है जी. और ऑन द अदर हैंड, अगर आपका कोई भी एग्रीमेंट होता है ना, कोई भी एग्रीमेंट होता है, कमर्शियल या बिजनेस एग्रीमेंट जो भी आपका होता है, उसमें लॉ क्या प्रिज्यूम करेगा, लॉ क्या ऑलरेडी सोचेगा कि अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं कहा था तो इसका मतलब है कि वो लीगली बाइंडिंग है. अनलेस वो जब एग्रीमेंट हुआ तो आप लोगों ने ये डिसाइड किया क्या कि ये लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये लीगली बाइंडिंग क्या है, एग्रीमेंट नहीं है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लीगली बाइंडिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी. अब नीचे उन्होंने एग्जांपल दे दिया. अदील इनवाइटेड बाबर ऑन अ डिनर एट हिज होम, बाबर एक्सेप्टेड द इनविटेशन. ऊपर वाली बात आ गई, इट इज अ सोशल एग्रीमेंट, ये सोशल है ना. इफ अदील फेल्स टू सर्व डिनर टू बाबर, देन बाबर कैन नॉट गो टू कोर्ट फॉर एनफोर्सिंग द एग्रीमेंट. ये भी हम ऊपर पढ़ गए हैं. एंड सिमिलरली इफ बाबर डिड नॉट टर्न अप, देन अदील कैन नॉट गो टू कोर्ट फॉर एनफोर्सिंग द एग्रीमेंट. ये भी हम अभी जो है ना पूरी एग्जाम्पल मैंने ये सेम जो है मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऊपर, और जैस जो ये अभी बता रहे हैं ये मैं आपको पहले वैसे ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ.
अब कौन सी बात आ गई, अब आ गई आपकी कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज का मतलब क्या है, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज का मतलब ये है कि भाई वो ऐसी पार्टीज हों, ऐसे बंदे इन्वॉल्व हों जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो क्या कर सकते हो, जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर कोई ऐसी पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकती, मतलब लॉ उसको जो है ना एक्सेप्ट ही नहीं करता ऐसे बंदे को कॉन्ट्रैक्ट में एज अ पार्टी, तो फिर वो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं ना। अब वो बताएंगे कौन कौन सी पार्टीज होती हैं। वो द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इन अदर वर्ड्स द पर्सन मस्ट। अब वो कंडीशंस बताने लगे हैं, क्या बताने लगे हैं, कंडीशंस बताने लगे हैं। अगर ये कंडीशंस क्या होती हैं, मीट होती हैं, तो क्या होगा, तो वो पार्टी जो है कॉम्पिटेंट होगी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मतलब एसेंशियल है ये। अगर ये चीज नहीं होगी, ये चीज नहीं होगी तो क्या होगा, वो एग्रीमेंट क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अच्छा जी, इन अदर वर्ड्स द पर्सन मस्ट बी द एज ऑफ मेजोरिटी, बी ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट। अब वो कह रहे हैं एक तो एज ऑफ मेजोरिटी, आपकी 18 ईयर्स की जो है ना वो एज ऑफ मेजोरिटी है, ठीक है जी, हमारा मतलब 18 साल में जो है ना वो उसके बाद एन आई सी बन जाता है, तो 18 साल की बात हो रही है। बी ऑफ साउंड माइंड, अब किसी पागल के साथ जो है ना आप कह रहे हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लूं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। बी ऑफ साउंड माइंड, अब भाई ऐसा ना हो कि आप जो है ना किसी पागल खाने वाले से ना किसी बंदे को ला के उसके साथ बैठ के जो है ना आप कहेंगे मैं जो है ना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो भाई ऐसा ना हो। साउंड माइंड ये है कि भाई वो जिस चीज के ऊपर आपका एग्रीमेंट हो रहा है, जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रहे हो, उस चीज के ऊपर उस बंदे का बिल्कुल दिमाग जो है ना ठीक ठाक काम करता हो, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक तरह वो डिसीजन ले सकता हो, उसको कोई डिसीजन लेने में उस एरिया में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी, मतलब उसका दिमाग जो है इतना काम करता हो कि वो एक साउंड डिसीजन ले सकता हो उस चीज के बारे में, तो फिर वो क्या बन जाएगा। साउंड डिसीजन का मतलब ये है कि भाई एक प्रॉपर जो एक रैशनल डिसीजन होता है, जो कि कोई भी एक दूसरा बंदा उस सिचुएशन में होता तो वो भी वही डिसीजन लेता, तो ऐसा डिसीजन अगर वो बंदा ले रहा हो तो क्या होगा कि वो साउंड, वो जो है ना साउंड माइंड का है। एंड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट, कि भाई वो जो है ना एक डिसक्वालिफाइड नहीं हुआ। अब भाई एक बंदा जो है ना जैसे उसकी हिस्ट्री खराब है ना, अब भाई वो अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है वो जो है ना उसे फिर जो है ना वो क्या करता है कि भाई वो उनको फुलफिल नहीं करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको फुलफिल नहीं करता, उसकी हिस्ट्री यही है, तो उसको जो है ना एक कोर्ट ने क्या कर दिया कि भाई इसको कह दिया भाई एक जो है ना उसके ऊपर जो है ना एक सजा लगा दी कि भाई इस बंदे के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, मतलब जो भी कोई एग्रीमेंट करेगा उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, उसको क्या नहीं माना जाएगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये बंदा फुलफिल करता ही नहीं है, ये बंदा क्या नहीं करता है, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करता ही नहीं है, तो क्या कर रहा है, इसे ड्रामेबाजी करता है कॉन्ट्रैक्ट्स की, लेकिन एट द एंड ये फुलफिल नहीं करता, तो इस वजह से हम जो है हम इसका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। मतलब इसके जितने भी ये कह रहा होगा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ वो बेसिकली सिर्फ एग्रीमेंट होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो भाई जब ऐसा बंदा होगा लाजमी बात है वो क्या होगा, उसके लिए जब चीज बाइंडिंग ही नहीं रही तो हमारा क्या था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या कहती थी कि लीगली बाइंडिंग होगा, तो इस केस में तो लीगली बाइंडिंग हुआ ही नहीं, जब लीगली बाइंडिंग ही नहीं हुआ तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा। तो इस वजह से अगर ऐसा बंदा होना चाहिए जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको बाय लॉ जो है ना कोई ऐसी ऐसा कोई सजा वगैरह ना मिली हुई हो, या कोई भी ऐसी कोई भी ऐसा कोई और लॉ ना हो जिसकी वजह से क्या हो कि भाई जो है उस वो जो है ना इस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल ना दे पा रहे हो, ठीक है जी। और नीचे इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, मारिया अ माइनर borrowed rupees 1 lakh from Laila and executed mortgage of her property in favor of the lender. This is not a valid contract because Maria is not competent to contract. अभी मारिया एक माइनर है, माइनर मतलब एज ऑफ मेजोरिटी पे नहीं है वो, एज ऑफ मेजोरिटी पे नहीं है वो।
जो एज ऑफ मेजोरिटी पे नहीं है तो क्या होगा, तो क्या होगा, हमने अभी तो पढ़ा है कि वो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। जब वो एक बंदा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं हुआ ना, यहां पे वही बात कर। अब हम आगे हमारे कंसिडरेशन पे। एन एग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन, ग्रेचुटियस विदाउट कंसिडरेशन प्रोमिसेस आर नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ। कंसिडरेशन रिक्वायर्स नॉट ओनली प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन बट ऑल्सो लॉफुलनेस ऑफ कंसिडरेशन। अब यहां पे क्या कह रहे हैं वो कि भाई कुछ ऐसी चीज हो जो एक्चुअली क्या हो, लॉफुल हो, और उनके दरमियान में कुछ ऐसी चीज हो, ऐसे ना हो, ऐसे ना हो कि उनके दरमियान में कुछ भी नहीं है, मतलब जो है ना वो डील किसी के ऊपर नहीं कर रहा है, बातों बातों में सिर्फ जो है ना बात हो रही है एक। अब अगर बातों बातों में एक बात हो रही है उसके दरमियान में कोई चीज ऐसी नहीं है जो इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो क्या होगा, वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। वो कह रहे हैं कि कोई भी जो डीलिंग हो रही हो उसमें कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, जो कंसिडरेशन हो, जो कंसिडरेशन हो। एक तो कंसिडरेशन होनी चाहिए, दूसरी क्या होनी चाहिए कि वो लॉफुल भी होनी चाहिए। ठीक है जी। अब यहां पे आप बात कर लें कि भाई उसे क्या कहते हैं, आपका जो दोस्त है, सही है, दोस्त ने कहा कि जो है ना तुम मुझे ऐसे करो कि ये दे दो, कंप्यूटर दे दो। नीचे वाली एग्जांपल से ही मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ। आपके दोस्त ने कहा कि मुझे जो है ना कंप्यूटर दे दो और ये कंप्यूटर मैं दूंगा 50,000 का। वही मैं नीचे वाली एग्जांपल में कुछ चीजें ऐड कर रहा हूँ ये जो नीचे दी हुई कंसिडरेशन की। अब आपके दोस्त ने आपसे कंप्यूटर मांगा कितने का, 50,000 रुपये का। उसने कहा कि मुझे कंप्यूटर दे दो, आपने कहा 50,000 रुपये आप मुझसे ले लेना। लेकिन वो जो 50,000 रुपये वो कैसे दे रहा है, वो बिटकॉइन में दे रहा है। बिटकॉइन पाकिस्तान में लीगल है, बिटकॉइन पाकिस्तान में लीगल है या नहीं है, सोचे तो पता ही होगा ना, बिटकॉइन लीगल नहीं है ना पाकिस्तान में। जब लीगल नहीं है तो जो चीज इलीगल हो गई तो वो लॉफुल है या नहीं है, नहीं है ना। यहाँ पे कंसिडरेशन तो है लेकिन क्या है, वो लॉफुल नहीं है। तो ऐसी कंसिडरेशन होनी चाहिए। अगर वो 50,000 रुपये कैश की बात कर रहा है तो मतलब क्या हो गया, या मतलब PKR में वो पे कर रहा है, सिंपली बिटकॉइन में पे नहीं कर रहा है तो क्या हो गया, तो वो फिर लॉफुल हो गया। ठीक है जी। फ्री कंसेंट, एन एग्रीमेंट मस्ट बी मेड बिटवीन पार्टीज by free consent, in other words the consent must not be obtained from following। अब भाई जब बात करें, अब भाई free consent का मतलब ये है कि मैं मतलब आगे पूरा इसको define करेंगे, लेकिन जो है अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक इसका पहले overview दे देता हूँ कि भाई free consent का मतलब ये है कि कोई जोर जबरदस्ती ना हो। क्या हो, कोई जोर जबरदस्ती ना हो, बंदे ने पूरा जो है होशो हवास में, पूरे होशो हवास में और जानते बूझते अपनी मर्जी से उस चीज के ऊपर क्या कहा हो, हाँ कहा हो। अच्छा जी, अब हम बारी बारी ने देखेंगे कि है क्या क्या। सबसे पहले आपका कोर्जियन है, दूसरा अंडू इन्फ्लुएंस है, तीसरा फ्रॉड है, चौथा मिसरिप्रेजेंटेशन है, पांचवा मिस्टेक है। अब कोर्जियन का मतलब क्या है भाई, कोर्जन का मतलब ये है कि जैसे वो मैंने बात की ना कि वो जो है वो पिस्टल लेके आपके जो है ना उसने सर पे लगाई हुई है, हाँ करो, हाँ करते हो कि नहीं करते हो, तो क्या हो गया, वो कोर्जन हो गया। अनड्यू इन्फ्लुएंस के मतलब जैसे जो है ना आप एक काम नहीं करना चाह रहे, आप एक काम नहीं करना चाह रहे, आपका कोई बड़ा है, आपका कोई कजन है, वो आपसे बड़ा है, वो जो है ना वो आपके ऊपर दादागिरी करे कि भाई मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम हाँ करो, मैं बड़ा हूं, मैं तुम्हें कह रहा हूं हाँ करो, इसलिए तुम्हें हाँ करनी पड़ेगी, तो वो क्या हो गया, वो आपका अंडू इन्फ्लुएंस हो गया। फ्रॉड हो गया कि भाई धोखाधड़ी से, ठीक है जी,
मिसरिप्रेजेंटेशन, ये मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, वो जो एक मिसाल दी जाती है कि हाथी के जो दांत होते हैं वो दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल वही बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बंदे को जब एग्री आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे थे तो आपने उसको कहा कि ये मिलेगा, लेकिन जब एक्चुअली वो उसे क्या कहते हैं, बाद में आपको पता चल रहा है कि वो सब तो कुछ था ही नहीं, वो सब क्या थी, जो थी वो सिर्फ जो है ना उस वक्त क्या करना चाह रहा था, जो है ना उसे क्या कहते हैं, गुमराह करना चाह रहा था। और फिर क्या आ गया, मिस्टेक आ गया। अब भाई गलती से जो है वो आपसे जो है ना उसे क्या कहते हैं, हाँ करवा ली है। अब भाई वो जैसे वो होता है ना, वो दोस्त आपस में लगे हुए होते हैं, वो तंग कर रहा होता है, मतलब तंग कर रहे होते हैं एक दूसरे को। अब भाई दरमियान में वो जो चीज नहीं भी कहना चाह रहा होता है ना, उससे जबरदस्ती कहलवा ली ना, मतलब वो बातों बातों में उससे कहलवा ली, जबरदस्ती तो नहीं लेकिन बातों बातों में उससे कहलवा ली के, मतलब वो नहीं कहना चाह रहा था लेकिन उसको घुमा फिरा के ना वो बात उससे निकलवा ली। अब वो उससे आपने गलती से निकलवाई है, मतलब वो उसकी विल नहीं थी वो बात करने की, वो क्या हुआ है, आपने उसे घुमा फिरा के उसे वो बात करवा ली है, तो वो उससे मिस्टेक हुई है। क्या हुई है, वो उससे मिस्टेक हुई है, उसने अपनी पूरी विल के साथ वो काम नहीं किया है, तो वो क्या बन जाएगा, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है कि भाई उसकी जो है वो आपकी मिस्टेक इन्वॉल्व है, उसके अंदर उसकी फ्री विल इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है जी, लॉफुल ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। वन मिनट, हां जी, द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अनलॉफुल व्हेन इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, इज ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, इट इज फ्रॉडुलेंट, इट इन्वॉल्व्स एन इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, द कोड रिकॉर्ड्स इट एज इमोरल और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। अब वो कह रहे हैं कि उसमें जो ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व्ड हो वो क्या होना चाहिए, वो लॉफुल होना चाहिए, है भाई, वो कानूनन ठीक चीज होनी चाहिए, जो भी ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व्ड है उस कॉन्ट्रैक्ट में वो क्या चीज होनी चाहिए, वो लॉफुल होना चाहिए। अब इन्होंने क्या बता दिया, इन्होंने हमें अनलॉफुल की जो है ना वो बता दी, कैटेगरीज बता दी कि ये क्या है, ये अनलॉफुल है। अब ये अनलॉफुल है तो मतलब जो हम अभी पढ़ेंगे ये अनलॉफुल बता दिया उन्होंने, तो उसके अलावा बाकी सब क्या हो जाएगा, बाकी सब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं अगर वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो सब लॉफुल हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज भाई, जो लॉ ने मना कर दिया वो तो वैसे ही लॉफुल नहीं होगा, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, तो इसका क्या मतलब हो गया कि भाई लॉ उसे क्या करता है, एक्सेप्ट ही नहीं करता, जिस चीज को लॉ एक्सेप्ट ही नहीं करता तो क्या हो गया, हैं जी क्या हो गया, वो रहा आपका काम का नहीं रहा ना, तो हमने पहली चीज पढ़ ली क्या है कि जो भी लॉ ने मना कर दिया है कि भाई ये जो है ये कानूनन एक्सेप्टेबल नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। दूसरा क्या, इज ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, मतलब एक तो वो चीज है कि जो लॉ ने डायरेक्टली कह दिया है, मतलब एक्सप्लिसिटली कह दिया है कि भाई ये चीजें जो है वो अनलॉफुल हैं, वो भाई डायरेक्टली लॉ ने कह दिया। एक वो चीज है कि भाई अगर वो ऑब्जेक्ट अलाउ किया जाता है तो क्या होगा, वो किसी और लॉ की प्रोविजंस के अगेंस्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऊपर बिटकॉइन की बात कर रहे थे, अगर बिटकॉइन अगर अलाउ किया जाता है तो क्या हो जाएगा, वो एक लॉ की जो प्रोविजन उसके खिलाफ हो जाएगा ना उसके, अगर वो अलाउ किया जाता है तो वो उसके खिलाफ हो जाएगा, तो वो भी ऐसी चीज भी अलाउ नहीं है। इट इज फ्रॉडुलेंट, मतलब वो क्या है कि वो ऐसी चीज है कि जो है ना फ्रॉड, मतलब फ्रॉड के लिए यूज हो रही है। फिर क्या है कि इट इन्वॉल्व्स एन इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। अब भाई उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, उसका पर्पस ये है कि सामने वाले को नुकसान पहुंचाना या उसकी जो है ना किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना या डायरेक्टली उस पर्सन को जो है ना नुकसान पहुंचाना, तो
तो ये भी क्या है, ये भी आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है. द कोड रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. अब वो कोड जो है, कोड इमोरल कहता है, कहता है भाई ये जो है ना ये इमोरल में आ जाता है. कोड ये कह रहा है उस चीज को, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी आपका किस में नहीं रहेगा, वो भी आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट में नहीं रहेगा. और या फिर वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी जो है, मतलब उसकी वो जो ऑब्जेक्ट है वो किसके अगेंस्ट आ जाता है, आपकी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट आ जाता है, तो भी वो क्या हो जाएगा, वो आपका जो है लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा. अच्छा जी, नीचे एग्जाम्पल सीन है. आबिद बकर एंड फरहान एंटर इंटू एन एग्रीमेंट ऑफ द डिविजन अमंग देम ऑफ गेन्स एक्वायर्ड और बी एक्वायर्ड बाय देम बाय फ्रॉड. द एग्रीमेंट इज वॉइड एज इट्स ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल. क्यों भाई, उनका ऑब्जेक्ट क्या है, वो कैसे हासिल करना चाह रहे हैं चीज को, फ्रॉड के थ्रू हासिल करना चाह रहे हैं ना, तो वो तो जो है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट क्या हो गया उसका, ऑब्जेक्ट क्या हो गया उसका, उसका अनलॉफुल हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना. फिर क्या है, अमीर प्रोमिसेस टू ऑब्टेन फॉर बॉबर एन एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सर्विस एंड बॉबर प्रोमिसेस टू पे 10 million to Amir. The agreement is void as the consideration for it is unlawful. अब यहाँ पे क्या हो गया भाई, आप पब्लिक पॉलिसी एक आपकी, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो. उसके अगेंस्ट कैसे जा रहे हो, आप पैसे दे के जो है ना नौकरी खरीद रहे हो, तो क्या हो गया ये एग्रीमेंट, क्या हो गया ये, हो गया void. क्योंकि उसकी कंसिडरेशन क्या है, अनलॉफुल है. अंजुम who knows that कंवर has stolen goods amounting to 5 lakh receives rupees 1 lakh from cover in consideration of not exposing him. This agreement is illegal. भाई किसी ने चोरी की है, उसको छुपाने के लिए आप उससे पैसे ले रहे हो, तो क्या वो लीगल है, क्या वो लीगल है, वो बिल्कुल लीगल नहीं है, क्योंकि वो दूसरे प्रोविजन ऑफ लॉ को क्या कर रहा है, वो डिफीट कर रहा है. अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड. An agreement which is not enforced by law is called void agreement. ठीक है जी. There are certain agreements which have been expressly declared as void. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ ऐसे agreement हैं जिनको already जो है void agreement का नाम दे दिया गया है. और void agreement कौन से agreement होते हैं, जो enforceable by law नहीं होते. अब यहाँ पे उन्होंने कुछ कैटेगरीज बता दी हैं कि ये जैसे भी जो भी जो है ना एग्रीमेंट्स होंगे इससे रिलेटेड, वो क्या हो सकते हैं, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म कर सकते. पहली चीज क्या है, एग्रीमेंट द कंसिडरेशन ऑफ द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज पार्टली अनलॉफुल. फॉर एग्जाम्पल, पहले हम एक बात डिस्कस कर रहे थे, कौन सी डिस्कस कर रहे थे, आपकी दोस्त वाली एक एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे थे. क्या डिस्कस कर रहे थे हम, कि भाई वो आपसे 50,000 का जो है कंप्यूटर आपका खरीदना चाह रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें कि वो जो पैसे दे रहे हैं वो चोरी के पैसे हैं, तो क्या वो जो है उसका जो आपका जो टोटल एग्रीमेंट है वो पार्टली अनलॉफुल हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि उसमें जो पैसे इन्वॉल्व हैं वो कौन से हैं, चोरी के पैसे हैं, तो क्या हो गया कि नहीं हो गया वो अनलॉफुल. दूसरा क्या है, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन. वो कह रहे हैं भाई खाली बातें बातें ना हो ना, उसमें कोई चीज भी तो इन्वॉल्व हो, जब कोई चीज इन्वॉल्व होगी उसी के ऊपर तो डिस्कशन होगी ना फिर. तीसरा भाई, एग्रीमेंट इन स्टैंड ऑफ मैरिज. भाई आप किसी के साथ ये एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि भाई तुम शादी नहीं करोगे या मैं शादी नहीं करूंगा, ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड है, ऐसा कोई एग्रीमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है. अगला कौन सा है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स. किसी के साथ जो है ना वो गलत हो गया, अब जिसने गलत किया उसके बिहाफ पे कोई और बंदा आता है या वो खुद आता है, वो कहता है भाई मैं जो है ना मैं हाथ पांव जोड़ रहा हूँ तुम्हारे आगे, तुम मेरे साथ एग्रीमेंट कर लो कि तुम मेरी लीगल, तुम जो है ना मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करोगे. पहले उसको राजी किया कि वो नहीं करेगा, वो राजी हो गया, अब उसको कहा कि तुम एग्रीमेंट भी कर लो, ऐसे ना हो बाद में तुम्हारा ख्याल जो है ना तब्दील हो जाए. है जी, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया कि भाई ऐसा कोई भी अगर जो है ना एग्रीमेंट होता है तो वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा. एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, कि भाई कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्वॉल्व करता हो, क्या इन्वॉल्व करता हो,
ट्रेड को रोकना कि भाई तुम इसके साथ नहीं कर सकते, तुम इसके साथ डील नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो है वो जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। वो कौन सा एग्रीमेंट है? वो वॉइड एग्रीमेंट है। अनसर्टेन एग्रीमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल दो बंदे आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि एक बंदा दूसरे बंदे को ऑयल बेचेगा, कितना बेचेगा, मतलब 50 टन बेच देगा, 10 टन बेच देगा, कितना, मतलब जो है ना वो ऑयल, मतलब हम बस ये ले लेते हैं कि ऑयल बेच देगा कितनी भी क्वांटिटी हो, लेकिन वो ऑयल बेच रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक अनसर्टेनिटी आ गई। अनसर्टेनिटी क्या आ गई? अब यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि भाई वो क्या बेच रहा है, वो ऑयल बेच रहा है, लेकिन ऑयल एक किस्म का तो होता ही नहीं है। ऑयल कितनी किस्म का होता है? ऑयल की तो हजारों किस्में है, इतनी किस्में है उसकी, किस्म किस्म के ऑयल्स हैं। अब यहाँ पे वो चीज स्पेसिफाई ही नहीं की गई, तो यहाँ पे क्या आ गई एग्रीमेंट में, अनसर्टेनिटी आ गई ना। तो हम क्या कहेंगे, आपका एग्रीमेंट क्या है? अनसर्टेन एग्रीमेंट है। आपका बेचिंग एग्रीमेंट कौन सा होता है? आप इनको इन सिंपल वर्ड्स कैसे कह सकते हैं, बैटिंग। तो बैटिंग होती है मैचेस वगैरह पे, ये सब जो है वो क्या होता है, ये जुआ जो हो रहा है टोटल वो क्या है आपका, वो एक वेजरिंग एग्रीमेंट है, वो जुए लग रहे हैं, सट्टे लग रहे हैं। एग्जाम्पल्स दिया हुआ है उन्होंने, आजम एंड बाबर कैरीड ऑन बिजनेस इन सर्टेन लोकेलिटी इन कराची, आजम प्रॉमिस टू स्टॉप बिजनेस इन दैट लोकेलिटी इफ बाबर पेड सम पेड हिम 1000 पर डे, आजम स्टॉप हिज बिजनेस बट बाबर डिड नॉट पे हिम द प्रॉमिस्ड मनी, इट वॉज हेल्ड दैट आजम कुड नॉट रिकवर एनीथिंग फ्रॉम बाबर बिकॉज द एग्रीमेंट वॉज इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एंड वॉज दस वॉइड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो आपने ऊपर पढ़ा कि भाई अगर कोई भी ऐसा जो है ना वो है एग्रीमेंट है जिसमें क्या चीज इन्वॉल्व है कि भाई सामने वाला या आप जो है वो क्या करेंगे, वो ट्रेड को रोक देंगे, तो वो क्या है, वो वॉइड है। दूसरा क्या है, अरसलान प्रोमिसेस टू पे 10,000 टू हबीब इफ इट रेन टूडे एंड हबीब प्रोमिसेस टू पे रुपीज 1,000 टू अरसलान इफ इट डिड नॉट, द एग्रीमेंट is void because the happening and non-happening is dependent on future uncertain event। वही वो जो betting होती है कि भाई future की जो चीज होती है उसको उसके ऊपर क्या किया जा रहा है, उसके ऊपर bet किया जा रहा होता है कि भाई ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। हमारी अगली चीज कौन सी है, an certainty, an agreement may be void on the grounds of uncertainty, the meaning of agreement must be certain or capable of being certain। अच्छा जी, यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं। हमने जैसे ऑयल की बात की, मैंने एक ऑयल की एग्जांपल दी थी कि भाई वो जो है अनसर्टेन एग्रीमेंट हो गया था। कैसे ऐसा अनसर्टेन हो गया था कि भाई एक ने कहा, ए ने बी को कहा, मैं दोबारा एग्जांपल बता रहा हूँ, तो अगर जो है ना कुछ चेंज कर रहा हूँ एग्जाम्पल में तो समझ ले ये न्यू एग्जाम्पल है। अब ए ने क्या कहा कि मैं बी को ऑयल बेच रहा हूँ, कितना जो है ना 50 टन में ऑयल बेच रहा हूँ। अब वो जब 50 टन ऑयल बेच रहा है, अब यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, तो क्या हो गया था, अनसर्टेन एग्रीमेंट हो गया था। लेकिन अगर हम ये मिसाल ले लेते हैं, इसमें एक चीज ऐड कर लेते हैं कि ए का जो बिजनेस है वो जो है उसे क्या कहते हैं, और वो है उसका कोकोनट ऑयल का, किसका है, कोकोनट ऑयल का उसका बिजनेस है ए का, सही है, और वो एक एग्रीमेंट कर रहा है कि भाई मैं बी को ऑयल बेचूंगा, उसमें बेशक उसने ऑयल का नाम नहीं लिखा हुआ, ऑयल का नाम नहीं लिखा, लेकिन उसने ये लिख दिया कि मैं जो है ना 50 टन ऑयल बेचूंगा, किसको, बी को। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दूसरी चीज हो गई, एक तो सर्टेन है कि भाई लिखा हुआ है, दूसरा ये है, ये यहाँ पे क्या आ गया, कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन आ गया कि भाई ए बिजनेस किसका करता है, कोकोनट ऑयल का करता है ना, तो लाजमी बात है वो बेच भी उसको क्या रहा होगा, कोकोनट ऑयल बेच रहा होगा ना। हमें कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन का पता चल गया ना, कि भाई हमें जो है उसकी इम्प्लाइड मीनिंग पता चल रही हो कि हाँ भाई ठीक है, ये बंदा काम ही यही करता है, इसमें इसका काम ही यही है, हाँ भाई ठीक है, तो इसका मतलब यही होगा इस एग्रीमेंट के हवाले से, ठीक है जी। अब ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई है, एग्जांपल्स कौन सी दी हुई है, सर्टेनिटी की दी हुई है। सलीम एग्रीज टू सेल टू बाबर 100 टन ऑफ ऑयल, देर इज नथिंग व्हाटएवर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड, द एग्रीमेंट इज वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। मैंने वो ये भी ऊपर बात की। दाऊद हु इज अ डीलर इन कोकोनट ऑयल एग्रीज टू सेल टू बाबर 100 टन ऑफ ऑयल, द नेचर ऑफ दाऊद्स ट्रेड अफोर्ड्स एन इंडिकेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ 100 टन ऑफ कोकोनट ऑयल।
सलीम एग्रीज टू सेल बाबर ऑल द ग्रेन इन माई ग्रेनरी टू एट पिशावर देर इज नो अनसर्टेनिटी हेयर टू मेक द एग्रीमेंट वॉइड सलीम एग्रीज टू सेल टू बाबर 1000 माउंट्स ऑफ राइस एट अ प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय काशिफ एंड एज द प्राइस इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन देर इज नो अनसर्टेनिटी हेयर टू मेक द एग्रीमेंट वॉइड सलीम एग्रीज टू सेल टू बाबर माई वाइट हॉर्स फॉर 5 rupees 500 or rupees 1000. There is nothing to show which of the two parties are to be paid. The agreement is void. हमने आप examples में देखा, दो examples हैं, उन्होंने किसकी दी है? Void की दी है. लेकिन बाकी जो तीन examples हैं वो किसकी हैं? यहाँ पे जो है बाकी तीन examples void की नहीं है. वो जो है ना हमें यहाँ पे पता चल गया कि भाई क्या है, कि चीज में क्या चीज है क्या नहीं है. अगली चीज हमारी क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इटसेल्फ इज वॉइड. अब भाई अब फॉर एग्जांपल अब वो कह रहे हैं कि जो टर्म्स हो वो एक्चुअली कैपेबल हो कि बंदा उन्हें परफॉर्म कर सकता है. अब बंदा कहे मैं तुम्हें जादू से उड़ के दिखाऊंगा, एग्रीमेंट का पार्ट बना रहा है उसको, तो वो जो है ना वो तो मतलब वो चीज है कि वो कर ही नहीं सकता ना, तो क्या हो गया वो, क्या हो गया वो इम्पॉसिबल है तो क्या हो गया वो एग्रीमेंट, वो क्या हो जाएगा वो हमारा, उसे क्या कहते हैं, वो कैपेबल ऑफ बी परफॉर्म नहीं है. तो इस वजह से एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड, तो वो एग्रीमेंट ही क्या हो जाएगा हमारा, वॉइड हो जाएगा. ठीक है जी. लीगल फॉर्मेलिटीज. एन ऑरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट कंप्लाई विद द नेसेसरी फॉर्मेलिटीज एज टू राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा. अब वो कह रहे हैं कि कुछ तो ऐसे होते हैं एग्रीमेंट जिसके ऊपर जो है ना अगर वो सिर्फ ओरली उनके ऊपर बात की गई है, ओरली डिस्कस किया गया है, तो वो बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ओके हैं जैसे कि उन्हें लिख दिया गया, वो बिल्कुल ऐसे ही एक्सेप्टेबल है. लेकिन कुछ ऐसे जो है ना कॉन्ट्रैक्ट्स में केसेस होते हैं जिनका क्या है कि वो नेसेसरी है कि वो राइटिंग भी हो, उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह या कुछ और इन्वॉल्व हो, तो जहां पे जैसी रिक्वायरमेंट हो वो रिक्वायरमेंट पूरी की जाए उसकी. ठीक है जी. लीगल फॉर्मेलिटीज. एन ओरल एग्रीमेंट फॉर आर्बिट्रेशन अबाउट प्रेजेंट डिस्प्यूट्स इज अनइन्फोर्सिबल बिकॉज द लॉ रिक्वायर्ड दैट सच आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग. अब वो कह रहे हैं कि जो आपका उसे क्या कहते हैं आर्बिट्रेशन का मतलब ये होता है कि भाई दरमियान में कोई तीसरा बंदा आगे बैठे और वो आपका डिस्प्यूट सॉल्व कर रहा है. अब वो कह रहे हैं कि वो जो एग्रीमेंट है ना वो एज पर लॉ जो है ना वो राइटिंग में चाहिए. अगर वो राइटिंग में नहीं है ना तो क्या है वो लीगल नहीं है. तो उसकी रिक्वायरमेंट है वो किसमें होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए. अदील वर्बली प्रोमिसेस टू सेल हिज बुक टू बाबर फॉर ₹1000 इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द लॉ डज नॉट रिक्वायर इट टू बी इन राइटिंग. अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई अदील जो है ना वो वर्बली प्रोमिस कर रहे हैं कि बुक भेजने के लिए, तो वो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है इसके लिए राइटिंग जरूरी नहीं है. ये इसको जो है लॉ विदाउट राइटिंग भी पूरी तरह मानता है. और यहाँ पर हम जो है ना हमारा आज का पहला पार्ट वन खत्म करते हैं. अब हमारा एक चीज रह गई है, वो क्या रह गई है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इंशाल्लाह हम इसको जो है ना अगली वीडियो में देखेंगे. तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं. मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर. अल्लाह.